देखिए, औरंगाबाद के रोडों के ताल्लुक से जो निहायत ख़राब हालत में रोड है, जहां गंदा पानी आ रहा है, कचरे के मसाइल है, ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स है, ये सारी मांगों को लेकर दो दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद महानगर पालिका के सामने एक धरने का आयोजन किया था। और ये धरने का आयोजन यहाँ के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के हुक्म के ऊपर किया गया था। और उसके अंदर ये मांग की गई थी महानगर पालिका से कि औरंगाबाद की खस्ता हालत जो सड़कें हैं, जहाँ पर ड्रेनेज का पानी आ रहा है और जहाँ पर लाइट की और दीगर जो बुनियादी सहूलियात है, जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है, उसको दूर किया जाए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक ज़बरदस्त वहाँ पर धरना किया और मांग की है कि जो महानगर पालिका के जितने वार्ड ऑफिसर्स हैं, ये सिर्फ अपने वार्डों में बैठ के अपनी पगार टाइम पर लेते हैं और महीना ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे कि वैसे अपने इश्यूज जगह पे कायम रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज काबिले मुबारकबाद है और मैं तमाम लोगों की तरफ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से आज म्यूनसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उन्होंने रोडों के ऊपर उतर कर जो लोग भुगत रहे हैं जिस रोडों की सज़ा, तो आज उन्होंने उसको महसूस किया। आज उन्होंने अपने रोडों के दौरे के अंदर, मैं खुद भी उनके साथ में डमड़ी महल से लेकर रोशन गेट तक, कटकड़ गेट तक उनके साथ में गया, तो वहाँ मैंने महसूस किया। और उनके साथ में जब वो गाड़ी चला रहे थे, मैं भी उनके साथ में बाजू में गाड़ी चला रहा था, तो उनसे पूछा भी कि देखिए ये हालत है, इसीलिए हम बार बार जो है तो मनपा को कह रहे हैं कि ये रोडों की हालत को सुधारा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये बारिश अब तो जा रही है, लेकिन बारिश के दिनों में इससे बुरा हाल था। तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने भी उस बात को महसूस किया और एक आश्वासन हल्का सा दिया कि भाई यही बात को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और कुछ दिनों के अंदर जो है हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करके बहुत जल्द औरंगाबाद के लोगों को सहूलत। सिर्फ मिट्टी दहाड़ रहे थे साहब, वो कमिश्नर साहब का जहाँ जहाँ विजिट हुआ हमने कुछ एरियो में देखे कि वो सिर्फ मिट्टी डाल रहे थे गड्ढों में। देखिए, मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर को चलते चलते वही बताया कि आप आज भी जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, आज छोटा सा आप जो इसके अंदर रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो ये है वजह, इसी की यह है कि ये गड्ढों के अंदर मिट्टी डाली गई। अगर महानगर पालिका इसके अंदर डामर का अगर पैचवर्क भी कर देती, तो आज औरंगाबाद की जनता को कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से एक रिलैक्स मिल जाता। उनके आज जो बहुत सारे लोगों के हमने देखा कि गड्ढों की वजह से कई लोग गिरे, कई लोगों के हाथ पैर टूटे, कई लोगों के मनकों में गैप आया, ये ऐसी कई सारी ढेर सारी शिकायतें हमारे पास आई। तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने आज बाज़ाब्ता, मैं समझता हूँ कि टू व्हीलर के ऊपर सफ़र करने के बाद इस बात को ज़रूर महसूस किया होगा। और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काम करने के लिए वहाँ कुछ ऑफिसर्स उनके साथ में थे, पांजाड़े साहब थे, भोंबे साहब थे, तो उनको साथ में लेकर